हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो वी विल डू समशन डेट वी कैन परफॉर्म ऑन टपल सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉन कैटनेशन और ज्वाइनिंग टपल और वी कैन से टपल एडिशन ओके तो हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है टपल एडिशन ओके पाइथन अलाउस अस टू ज्वाइन और कॉन कैटेनेट टपल्स यूजिंग प्लस ऑपरेटर ओके तो पाइथन ने क्या हमें एक फीचर दिया हुआ है एक क्या ऑपरेशन दिया हुआ है कि हम टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और ज्वाइन करने को क्या बोलते हैं कॉन कैटेनेट राइट right? और हम किसकी हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर की हेल्प से टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं राइट right? इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हमारे पास टपल है टी वन फोर फाइव सिक्स उस पर थ्री एलिमेंट्स है देन वी हैव टपल टी टू जिसके अंदर थ्री एलिमेंट्स है सेवन एट नाइन राइट तो अभी हमने क्या किया टी वन प्लस टी टू को क्या कर दिया है ज्वाइन कर दिया है ओके और यू कैन से कॉन कैटेनेट कर दिया है राइट और इन दोनों टपल्स के ज्वाइनिंग का रिजल्ट कहाँ जाके स्टोर होगा T3 में जाके स्टोर होगा राइट अब देखो आपने यहाँ पे T3 को प्रिंट कराया तो देखो यहाँ पे क्या पहले T1 आया है तो T1 के एलिमेंट्स आगे फोर फाइव सिक्स फिर आपने T2 को ज्वाइन किया है T1 में तो उसमें क्या हुआ है फिर T2 के एलिमेंट्स आ गए सेवन एट नाइन ओके द प्लस ऑपरेटर कॉन कैटेट टू टपल्स एंड क्रिएट्स अ न्यू टपल राइट अब क्या हुआ दो टपल्स के ज्वाइनिंग से एक हमारे पास न्यू टपल आ गई है टी थ्री राइट हियर वी कैन सी द रिजल्टेंट टपल हैज क्या कहना चाह रहा कह रहा है कि जिस ऑर्डर में आप टपल को ज्वाइन करोगे उस ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स न्यू टपल के अंदर अरेंज होंगे ठीक है जैसे आपने अगर टी प्लस टी दिया होता तो क्या होता पहले टी के एलिमेंट्स आते हैं सेवन एट ओके okay, उसके बाद T1 के एलिमेंट्स आते हैं फोर फाइव सिक्स ओके सो जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं जिस ऑर्डर में आप टपल्स को कॉन्टेनेट कर रहे हैं मींस ज्वाइन कर रहे हैं ओके okay?

टपल, टेन, ट्वेंटी, थर्टी देन टी टू टपल, फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी देन टी थ्री टपल ओके अब देखो हमने क्या किया प्लस ऑपरेटर की हेल्प से तीनों को कॉन किया है ज्वाइन किया है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री राइट और इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा टी फोर में ओके टी वन लिया है तो टी वन के एलिमेंट okay, आपने टी टू लिया है तो आपके टी टू के एलिमेंट्स आ गए फोर फिफ्टी सिक्सटी देन आपके टी थ्री के सेवेंटी एटी एंड नाइनटी ओके सो यू कैन ज्वाइन मोर देन टू टपल्स राइट नेक्स्ट वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर विद स्लाइस ऑल्सो ओके टप्पल स्लाइस के साथ भी आप कॉन्टेनेट ऑपरेशन कॉन्टेनेशन कर सकते हो मतलब ज्वाइनिंग कर सकते हो टपल्स की राइट अब देखो हमारे पास है टी वन टी वन के एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर ओके राइट अब जो हमारा टी टू वेरिएबल है जो टपल एलिमेंट्स कंटेन करेगा ओके okay? उसमें कैसे हमने लिया है टी वन की स्लाइस ली है टी वन की स्लाइस ली है वन ओके वन रेशो थ्री तो वन रेशियो थ्री मीन्स ये देखो यहाँ पे हमारा टी वन है टी वन में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पे है सेकेंड वन इंडेक्स पे है थर्ड आपका टू इंडेक्स पे है और फोर्थ आपका थ्री इंडेक्स पे है फाइन ओके okay. अब यहाँ पे थ्री है यहाँ पे स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो इंडेक्स वन है मींस टू ओके okay. और जो एंडिंग वैल्यू इंडेक्स है वो थ्री है तो थ्री माइनस आपको पता है कि एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस वन ओके एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस वन तो यहाँ पे क्या होगा ये वन इंडेक्स की वैल्यू लेगा और और थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टू ओके थ्री माइनस वन आपका हो गया टू तो ये वन इंडेक्स की वैल्यू लेगा दैट इज़ टू स्लाइस में टू और टू इंडेक्स की वैल्यू दैट इज़ थ्री फाइन ओके okay, तो हमारा फर्स्ट जो स्लाइस से एलिमेंट आए हैं वो टू एंड थ्री आए हैं ओके okay, प्लस अब हमने उसमें प्लस किया है टपल एलिमेंट फाइव एंड सिक्स ओके फाइव एंड सिक्स को हमने क्या कर दिया कॉन कर दिया फाइन तो जो आपके टी टू में एलिमेंट्स आए हैं वो क्या आए हैं टू थ्री ठीक है एंड फाइव सिक्स फाइन टू थ्री आपका टी वन की स्लाइस से आया है एंड फाइव सिक्स आपने एक न्यू टपल को ज्वाइन किया है ओके तो हम क्या कर सकते हैं टपल स्लाइस को भी कॉन्केटिनेट कर, कर सकते हैं राइट समझ आया देखो यहाँ पे आपने टपल स्लाइस लिए वन मतलब वन इंडेक्स पे आपका टू है और टू इंडेक्स पे आपका थ्री है फाइन तो टू थ्री प्लस फाइव सिक्स तो आपका टोटल रिजल्ट आ गया टू थ्री फाइव ओके ना द प्लस ऑपरेटर वैन यूज विद टपल्स रिक्वायर्स डैट वॉल द ऑपरेट मस्ट बी ऑफ टपल टाइप्स ओके तो अब ये इसका क्या मीनिंग है इसका मीनिंग है कि जब आप कॉन कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो टप्पल पे तो क्या कंडीशन है क्या रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो ठीक है जो भी एलिमेंट्स आप ज्वाइन कर रहे हो वो क्या होने चाहिए टपल टाइप के ही होने चाहिए राइट ऐसा नहीं है वी कैन नॉट ऐड अ नंबर और एनी अदर वैल्यू टू अ टपल ऐसा नहीं है कि आप टपल के साथ टपल को ज्वाइन ना करके नंबर ज्वाइन करो या कोई स्ट्रिंग वैल्यू ज्वाइन करो राइट या कोई अदर वैल्यू आप उसमें ज्वाइन करो राइट कंडीशन क्या है कॉन की जितने भी आप एलिमेंट्स ज्वाइन कर रहे हो ओके वो क्या होने चाहिए टपल टाइप्स के होने चाहिए ओके बोथ द ऑपरेंट्स राइट right? ऑपरेंट जितने भी ऑपरेंट्स हैं आपके वो टपल टाइप के होने चाहिए राइट ऑपरेंट्स ओके आप ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑपरेंट ले लिया टपल और दूसरा ऑपरेंट आपने ले लिया नंबर या एक ऑपरेंट आपने ले लिया टपल और दूसरा आपने ले लिया स्ट्रिंग राइट right? अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हमारे पास एक टपल है टी वन वन टू थ्री फोर अब आपने डायरेक्टली क्या किया टी वन प्लस टू कर दिया इंटीजर वैल्यू को आप उसमें ऐड कर रहे हो ठीक है जैसे ही आप ये करोगे तो क्या होगा एरर आ जाएगी ओके कैन ओनली कॉन कैटेनेट टपल नॉट इन टू टपल तो सिंपली उसमें रीजन uh, भी आया हुआ है कि आप टपल को टपल से कॉन कैटेनेट कर, कर सकते हो मतलब दोनों ऑपरेंट्स या जितने भी ऑपरेंट्स आप ले रहे हो वो टपल टाइप होने चाहिए ऐसे नहीं है कि आप टपल को इंड के साथ कॉन कैटोनेट करोगे राइट right? ऐसे ही यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं टपल को स्ट्रिंग से कॉन करने की अगेन वी हैव एरर कैन ओनली कॉन कैटेनेट टपल नॉट स्ट्रिंग टू टपल राइट right? समझ आ गया कि जब आप कॉन्टनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो जितने भी आपके ऑपरेंट्स हैं वो टपल टाइप होने चाहिए ओके okay? ऐसा नहीं है कि आप एक टपल ले लो और एक नंबर ले लो या एक टपल ले लो ऑपरेंट और एक आप स्ट्रिंग ले लो या फ्लोट ले लो राइट ओके सो ऑल द ऑपरेंट शुड बी ऑफ टपल टाइप व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द कॉनकेटनेशन ऑपरेशन नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज टपल रिपीटिशन ओके और यू कैन से टपल रेप्लीकेशन और टपल मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो एक ही ऑपरेशन के ये नेम्स हैं आप टपल रिपीटेशन भी बोल सकते हो टपल रेप्लीकेशन भी बोल सकते हो टपल मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो, हो, हो राइट ओके लाइक स्ट्रिंग एंड लिस वी कैन यूज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर टू रेप्लीकेट और रिपीट अ टपल स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स ओके सो so, इसका क्या मीनिंग है जैसे हम स्ट्रिंग और लिस्ट में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं ठीक है कैसे परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की हेल्प से टपल को रेप्लीकेट करते हैं रेप्लीकेट मतलब उसकी कॉपीज़ बनती है वो रिपीट होती है ओके ओके स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स जितना आपने नंबर दिया उतनी बार वो रिपीट होगा फाइन तो क्या है इसमें क्या है टपल रेप्लीकेट करेगी रेप्लीकेट मतलब उसकी कॉपीज बनेगी ओके okay? और और यू कैन से वो रिपीट करेगा उतने टाइम्स जितना आपने नंबर ऑफ टाइम्स दिया है फाइन अब देखो दिस इज वेरी सिंपल आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हमारे पास टपल टी वन हैविंग वैल्यूज वन टू थ्री ओके वन टू थ्री की वैल्यूज आपने क्या किया टी वन ओके मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर और यू कैन से टी वन इन थ्री राइट मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को आप भी बोलते हो टी वन इंटू थ्री तो ये उसकी थ्री कॉपीज ओके और यू कैन से वो थ्री टाइम्स रिपीट होगी ओके अब देखो वन टू थ्री इसके एलिमेंट है वन टू थ्री टाइम वन टू थ्री टू टाइम एंड वन टू थ्री थ्री टाइम्स तो ये तीन बार रेप्लिकेट हुई है और यू कैन से तीन बार रिपीट हुई है ओके ऐसे ही हमने एक को टपल लिया t2 ओके उसमें क्या है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है पाइथन अब आपने t2 4 लिखा है 4 लिखा है तो ये कितनी बार रिपीट होगी फोर टाइम्स रिपीट होगी राइट अब देखो पाइथन वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम एंड देन फोर टाइम ओके तो ये फोर टाइम रिपीट हुई है राइट ओके सो तो इन दिस वे यू कैन रिपीट अ टपल नंबर ऑफ टनेशन okay, okay, ऑपरेटर right? uh, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को भी टपल स्लाइस के साथ यूज कर सकते हैं राइट right? कैसे अब देखो ये हमारी टपल है वन टू थ्री फोर फाइव इसके एलिमेंट्स है टीवन अब हमने क्या किया टी वन के स्लाइस लिया है स्लाइस कहाँ से लिया वन इंडेक्स वैल्यू से लेकर थ्री माइनस वन दैट इज टू मतलब इसमें कौन कौन सा इंडेक्स वैल्यू आएगी वन इंडेक्स की वैल्यू आएगी और टू इंडेक्स की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे देखो वन इंडेक्स की वैल्यू आपकी क्या है टू और टू इंडेक्स की वैल्यू है आपकी थ्री फाइन ओके अब ये हमारी टपल स्लाइस आ गई है ठीक है टपल स्लाइस आ गई है इसके साथ हमने क्या कर दिया इन टू थ्री ओके तो ये जो स्लाइस है वो कितनी बार रिपीट होगी वो थ्री टाइम्स रिपीट होगी फाइन जो टू थ्री आप एलिमेंट्स आए हैं जो स्लाइस बनी है वो कितनी बार रिपीट टू थ्री टू थ्री एंड टू थ्री राइट ओके तो यहाँ पे हमारी जो स्लाइस है वो थ्री टाइम्स रिपीट हुई है ओके टपल ऑपरेटर्स वेन यूज टपल्स An okay? तो प्लस ऑपरेटर लिखा हुआ है नोट इसका क्या मीनिंग है इसका मीनिंग है कि जब कॉन कैटिनेशन ऑपरेशन करते हैं ओके okay? तो क्या होता है दोनों ऑपरेंट टपल टाइप के होने चाहिए ठीक है जितने भी ऑपरेंट्स दोनों या फिर जितने भी ऑपरेंट्स आप ले रहे हो टपल टाइप के होने चाहिए फाइन लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो तो क्या है इट रिक्वायर्स अ टपल एंड एन इंटीज़र एज ऑपरेंट तो इसकी क्या कंडीशन है एक आपका ऑपरेंट होना चाहिए टपल ओके और सेकंड आपका होना चाहिए इंटीज़र ओके सो दिस इज द डिफरेंस अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देन यू शुड नो कि दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉन्टिनेशन uh, ऑपरेटर के लिए दोनों uh, या जितने भी ऑपरेट्स आप ले रहे हो ऑल द ऑपरेश शुड बी ऑफ टपल टाइप राइट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर वन ऑपरेशन शुड भी टपल एंड देश शुड भी इंटीरियर वैल्यू ठीक है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर में एक ऑपरेंट डबल होना चाहिए और एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर ऑपरेंट होना चाहिए फाइन ओके नेक्स्ट वी हैव इन एंड नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स ओके तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं इन एंड नॉट इन ट ट okay? okay? में प्रेजेंट है, है? है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू और अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स फाइन अब यहाँ पे देखो हमने लिया थर्टी इन टपल ये हमारी टपल है ओके तो अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो रिजल्ट आया है आपका ट्रू फाइन नेक्स्ट हमने क्या लिया 80 इन टपल है आपका ये 10, 20, 30, ओके okay. अगर 80 प्रेजेंट होता तो क्या आता ट्रू अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका क्या है फॉल्स। फाइन तो इन ऑपरेटर में ट्रू कब आता है जो गिवन एलिमेंट टपल में प्रेजेंट होता है ओके okay, और फॉल्स कब आता है जब गिवन एलिमेंट टपल में प्रेजेंट नहीं होता है नाउ वी हैव नॉट इन ऑपरेटर ठीक है नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न टू इफ द एलिमेंट डज नॉट अपियर इन द टपल्स अदरवाइज रिटर्न फॉल्स ओके नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है ये कब ट्रू करता है जब वो एलिमेंट टपल में प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब गिवन एलिमेंट टपल में प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है अदरवाइज वो क्या रिटर्न करता है फॉल्स ओके अब देखो हम लिखा थर्टी नॉट इन दिस थर्टी नॉट इन अब गिवन एलिमेंट टपल में प्रेजेंट है तो यहां पे क्या आ गया फॉल्स ओके ट्रू कब आता जब गिवन एलिमेंट टपल में प्रेजेंट नहीं होता ओके okay, ओके okay, इनका अपोजिट है नॉट इन फाइन अब देखो एटी नॉट इन दिस अब 80 इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रू आया है ओके okay? तो नॉट इन की कंडीशन क्या है नॉट इन की कंडीशन ये है कि जो गिवन एलिमेंट अगर टपल में प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू आएगा और अगर वो टपल में प्रेजेंट है तो फॉल्स आएगा फाइन सिंपली हम ऐसे भी देख सकते हैं इन एंड नॉट इन थर्टी नॉट इन 30, ये क्या कह रहा है थर्टीज के अंदर नहीं है बट थर्टी प्रेजेंट है तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट ओके okay. अब हमने लिखा एटी नॉट इन दिस एटीज में नहीं है ऑब्वियसली एटीज में नहीं है तो ट्रू आ गया आप इसको ऐसे भी याद मतलब ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हो कि इन एंड नॉट इन कैसे करना है राइट नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज टपल स्टल स्लाइसिस आर द सब पार्ट ऑफ द टपल एक्स उट वी कैन यूज इंडेक्सेस ऑफ टपल एलिमेंट्स टू क्रिएट टपल स्लाइसिस ओके तो टपल स्लाइस क्या है टपल के पार्ट से ओके okay, उन्हें हम सब पार्ट्स बोल सकते हैं टपल के सब पार्ट्स हैं जो हम टपल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं निकालते हैं राइट वी कैन यूज़ और कैसे निकालेंगे इसके लिए हम किसका इस किसका यूज़ करते हैं इसके लिए हम टपल के एलिमेंट्स के इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करते हैं वी कैन यूज इंडेक्सेस ऑफ टपल एलिमेंट्स टू क्रिएट टपल स्लाइसिस ओके तो टपल स्लाइसिंग क्या हुआ टपल के सब पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना निकालना किसकी हेल्प से एलिमेंट्स के इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से राइट right? एलिमेंट okay? uh, 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 को एक्सेस करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या, उस क्या होता है सिंगल एलिमेंट हमारे पास आता है ओके okay? लेकिन स्लाइसिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो सबसेट ओके सबसेट मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट part को पूरे पर्टिकुलर पार्ट part को निकाल सकते हो uh, टपल के राइट right? ओके व्हेन वी एंटर अ रेंज रेंज वी वांट टू एक्सट्रैक्ट इट इज कॉल्ड स्लाइसिंग और जब हम रेंज का यूज करते हैं कि कितने से कितने रेंज तक हमें चाहिए एलिमेंट्स टपल में से निकालने ओके okay? तो उसे क्या बोलते हैं रेंज स्लाइसिंग बोलते हैं ओके ओके नाउ हियर वी हैव द सिंटेक्स सिंटेक्स क्या है टपल नेम टपल का नाम ठीक है स्टार्टिंग इंडेक्स ओके स्टॉप इंडेक्स एंड द स्टेप इंडेक्स स्टेप स्टेप वैल्यू स्टार्ट इंडेक्स मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करना है वेयर स्टार्ट इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स ओके? स्टॉप स्टॉप इज़ द इंडेक्स, इज़ नॉट इंक्लूडेड स्टॉप इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस वन ये हमें पता है जब आप प्रिंट यूज करते हो तो स्टॉप इंडेक्स हमेशा माइनस वन होता है ठीक है स्टेप इज द स्टेप साइज ऑल्सो नॉन एज्राइट एंड इज ऑप्शनल इज डिफॉल्ट वैल्यू इज वन देखिए स्टेप क्या है कि आप वन बाय वन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करोगे या एक एक छोड़ के एलिमेंट को स्टेप एक्सट्रैक्ट करोगे या कोई भी इन बिटवीन वैल्यूज को छोड़ के आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये स्टेप बताता है स्टेप वैल्यू ओके लेकिन स्टेप uh, जो वैल्यू होती है स्टेप साइज होता है उसको हम स्ट्रेट भी बोलते हैं और ये क्या है ऑप्शनल है आप इसको यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो बाई डिफॉल्ट क्या है इट इज़ वन वन मीन्स इट विल इट विल वी विल एक्सेस द एलिमेंट्स वन बाय वन मतलब फर्स्ट एलिमेंट देन सेकेंड एलिमेंट देन थर्ड एलिमेंट ओके तो टपल स्लाइसिंग क्या है टपल का सब पार्ट निकालना किसकी हेल्प से इंडेक्स की हेल्प से राइट और यहाँ पे हम इंडेक्स को कैसे यूज करेंगे रेंज की फॉर्म में यूज करेंगे क्योंकि जब हम सिंगल इंडेक्स का करें यूज करते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट आ जाता है एक सिंगल एलिमेंट आ जाता है पर यहाँ पे हमें क्या करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं टपल के अंदर से पूरा सबसेट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इंडेक्स को रेंज में यूज करेंगे ओके ओके द टपल स्लाइस इज अ टपल इन इट सेल्फ ठीक है टपल स्लाइस क्या होता है टपल ही होती है राइट right? वो भी एक टपल ही है दैट इज वी कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन इट जस्ट लाइक वी परफॉर्म ऑन टपल्स राइट तो टपल स्लाइस पे आप वो सारे ऑपरेशन कर सकते हो जो आप टपल पे करते हो जैसे अभी हमने किया भी था कॉन भी किया था राइट right? मल्टीप्लीकेशन भी किया था ओके okay? ओके uh, okay? आप ऐसे ही उसके अंदर जो भी टपल पे ऑपरेशन होते हैं आप वो टपल स्लाइस पर भी कर सकते हो राइट right? अब हमारे पास नोट है tuple slicing if start index value is missing then it will start

वो इसको प्रिंट करेगा ओके okay? और यू कैन से लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक वो एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, okay? give, अगर इस दिया हुआ है माइनस वन ओके दैट आई टोल्ड यू मैंने आपको बताया है अब देखो, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे टपल हमारे पास टपल है जिसके अंदर एलिमेंट है टेन टू नाइनटी राइट अब हमने क्या दिया टी वन ओके okay, हम स्लाइसिंग कर रहे हैं हमने इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स आपने दिया है फाइव और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपका फाइव है ये और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है अगर एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो क्या होगा टिल द लास्ट इंडेक्स ओके वो क्या करेगा प्रिंट करेगा मतलब लास्ट एलिमेंट तक वो प्रिंट करेगा ओके तो फाइव से स्टार्ट करेगा सिक्सटी सेवेंटी एटी एंड नाइन्टी ये आपका प्रिंट होगा नाउ यू कैन सी द रिजल्ट आपका यही रिजल्ट इंडेक्स नहीं दिया गया ending index नहीं दिया गया, तो क्या होगा वो last value तक प्रिंट करेगा लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट करेगा ओके नाउ वी है हमारे पास टपल टी वन है ओके एलिमेंट टेन टू नाइनटी अब हम टपल स्लाइस बना रहे हैं टी वन स्टार्टिंग इंडेक्स है आपका है टू ओके okay, तो तो पे हम टू से स्टार्ट करेंगे है है आपका 6, तो 6 -1 हो गया 5 यहां पर ठीक आपको पता है ending index is always -1, तो ओके okay, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड ओके न यू कैन सी द रिजल्ट आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं आए थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्स ओके okay, अब यहाँ पे आपने रिवर्स इंडेक्सिंग का यूज किया हुआ है बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज किया है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है माइनस एट तो अब यहाँ पे हम देखेंगे है हमारा 8 ये. 8, okay. है आपका माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस वन ठीक है तो क्या हो गया माइनस सिक्स तो ये कहाँ तक चलेगा यहाँ तक ठीक है माइनस फाइव माइनस वन इज माइनस सिक्स तो हमने हमारे एलिमेंट्स आएंगे ट्वेंटी 30 and 40. Fine. Now you can see the result 20, 30 and 40. Fine. सबसे इजी आपके लिए मेथड क्या है? जब भी आपका टपल दिया जाता है, आप टपल को लिखो. ठीक है आप उसका अगर स्लाइसिंग जब भी आप करें उसकी

ठीक है इंडेक्स लिख लो फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्स राइट और उसकी हेल्प से आप इजीली उसका आउटपुट निकाल सकते हो तो इसका आउटपुट क्या है फाइन अब देखो नेक्स्ट है हमारा टी t1 स्लाइस स्टार्टिंग इंडेक्स हमने नहीं दिया है एंड सॉरी एंडिंग इंडेक्स भी आपने नहीं दिया है स्टेप वैल्यू क्या दिया है -1 राइट right. जब आप स्टेप वैल्यू सिंपल वन देते हो या फिर स्टेप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट uh, एलिमेंट से स्टार्ट करता है वन बाय वन उसको प्रिंट कराता है मतलब सारे एलिमेंट्स प्रिंट करा देगा अगर यहाँ पे मान लो मैंने वन दिया होता तो क्या होता है यहाँ टेन से लेकर नाइन्टीन तक की आपकी क्या जाती है टपल आ जाती है सिंपली लेकिन माइनस वन का क्या मीनिंग है स्टेप वैल्यू का मीनिंग है कि आपका कंप्लीट टपल आएगी बट रिवर्स फॉर्म में आएगी ठीक है इन्वर्टेड फॉर्म में आएगी माइनस वन मींस कंप्लीट टपल इट विल डिस्प्ले द कंप्लीट टपल बट इन रिवर्स फॉर्म ओके माइनस वन रिवर्स के लिए यहाँ पर तो आप देखो यहाँ पे 92 टू 10 आएगा ओके नाउ यू कैन सी यहाँ पे 9080 रिवर्स फॉर्म में आपकी कंप्लीट टपल डिस्प्ले हो गई है ओके ओके लेट अस सी सम मोर एग्जांपल हियर हमारे पास टपल है ओके okay, एलिमेंट्स है हमने स्लाइस बनाई जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा यहाँ पे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा टेन माइनस वन नाइन नाइन तक जाएगा तो यहाँ पे नाइन तो है नहीं तो क्या होगा जो लास्ट आपका इंडेक्स वैल्यू है ओके okay, उसके एलिमेंट्स तक जाएगा राइट right? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर टेन दिया हुआ है या दिया हुआ है तो क्या होगा कि अरे ये तो इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं तो आपको क्या करना है जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है उसके एलिमेंट्स तक आपको प्रिंट कराना है फाइन ओके अब देखो यहाँ पे स्टेप वैल्यू आपने टू दी है स्टेप वैल्यू टू देने का क्या मीनिंग है एक्सेसिंग एवरी सेकेंड एलिमेंट स्किपिंग वन एलिमेंट इन बिटवीन अगर टू दी है तो मतलब आप एक एलिमेंट छोड़ के एलिमेंट को प्रिंट करोगे मतलब इन बिटवीन आपको वन एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे आपने जीरो को जीरो इंडेक्स वैल्यू पे टेन को प्रिंट कराया ट्वेंटी को आप लीव करोगे फिर आप थर्टी को प्रिंट कराओगे फोर्टी को आप लीव करोगे फिफ्टी को प्रिंट कराओगे सिक्सटी को लीव करोगे सेवेंटी को प्रिंट कराओगे एटी को लीव करोगे एंड देन नाइन्टी को प्रिंट कराओगे राइट तो देखो यही आपका रिजल्ट आया टेन थर्टी फिफ्टी सेवेंटी एंड नाइनटी Why? आपकी स्टेप वैल्यू टू है तो आप क्या करना है इन बिटवीन आपको वन एलिमेंट को स्किप करना है मतलब छोड़ना है फाइन ओके अब देखो सेम हमने लिया है टी वन स्टार्टिंग इंडेक्स है आपका वन तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा वन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंडिंग इंडेक्स आपका टेन है टेन माइनस वन दैट इज नाइन ओके तो यहाँ पे हम लास्ट एलिमेंट तक चलेंगे ओके okay. तो स्किप करके चलते हो जब थ्री होती, तो होती है तो आप टू एलिमेंट्स को स्किप करके चलोगे राइट ओके वन से चल रहे आपने ट्वेंटी को प्रिंट करा दिया उसके बाद थर्टी एंड फोर्टी को छोड़ दिया और फिर आपने फिफ्टी को प्रिंट कराया पहले आपने ट्वेंटी को प्रिंट कराया थर्टी फोर्टी को छोड़ दिया फिर आपने फिफ्टी को प्रिंट कराया उसके बाद आपने 60, 70 को छोड़ दिया उसके बाद आपने 80 को प्रिंट कराया देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या है एंड फाइन समझ आया थ्री स्टेप वैल्यू मतलब इन बिटवीन आप टू एलिमेंट्स को छोड़ दोगे स्किप कर दोगे फाइन अब देखो टी वन अब स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दुआ एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है ठीक है स्टार्टिंग इंडेक्स भी नहीं है हमारे पास और एंडिंग इंडेक्स भी नहीं है इसका मतलब क्या है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा लास्ट इंडेक्स तक ही जाएगा राइट right? लेकिन स्टेप वैल्यू क्या है थ्री है ओके okay? तो क्या होगा पहले आपका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा ये वाला दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट ठीक है अब ये दो एलिमेंट प्रिंट नहीं करेंगे ट्वेंटी प्रिंट नहीं करेगा आपका फोर्टी प्रिंट करेगा ठीक है देन एंड प्रिंट नहीं करेगा आपका सेवेंटी प्रिंट करेगा ओके एंड देन एटी एंड नाइनटी प्रिंट नहीं करेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया टेन फोर्टी एंड सेवेंटी टेन फोर्टी एंड सेवेंटी ओके सबसे पहले हमने देखा कहां से कहां तक आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है जीरो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है तो जीरो से स्टार्ट करोगे एंडिंग इंडेक्स नहीं है तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक तक्यू थ्री है तो क्या करना है आपको दो दो एलिमेंट्स को छोड़ छोड़ के एक्सेस करना है तो फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट लिया लिया दो छोड़ दिए फिर आ, आ, लिया, फिर नेक्स्ट आपने दो को लीव किया फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिया फिर आपने दो को लीव कर दिया ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है टी वन ओके अब देखो हमने क्या लिया टी वन स्टार्टिंग इंडेक्स आपने नहीं दिया एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया स्टेप वैल्यू टू दी है ठीक है तो क्या होगा ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रिंट करेगा लेकिन बीच में एक एक एलिमेंट को लीव करके राइट तो जीरो से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा एट तक जाएगा ओके तो फर्स्ट आपका टेन प्रिंट हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी प्रिंट नहीं होगा ठीक है क्योंकि हमें बीच में वन एलिमेंट को स्किप करना है थर्टी प्रिंट हो जाएगा फोर्टी नहीं होगा फिफ्टी प्रिंट सिक्सटी नहीं होगा देन सेवेंटी प्रिंट नहीं होगा एंड देन नाइनटी ना ही यू कैन सी टेन थर्टी फिफ्टी सेवेंटी एंड नाइंटी ओके नाउ नेक्स्ट टपल ओके स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या है है स्टार्टिंग हमारे पास एंडिंग एंडिंग इंडेक्स आपका नहीं दिया है तो क्या होगा टिल द एंड ऑफ द टपल तो एट तक चलेगा फोर टू एट फाइन और स्टेप वैल्यू टू दी है तो वही वन वन एलिमेंट को आपको लीव करके चलना है तो आप फर्स्ट आपका फिफ्टी प्रिंट होगा ठीक है सिक्सटी को लीव करेंगे सेवेंटी प्रिंट होगा एटी को लीव करेंगे प्रिंट होगा। देखो ये सेम आया आपका फिफ्टी सेवेंटी एंड 90, राइट नेक्स्ट टी स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या है थ्री ओके एंड एंडिंग इंडेक्स आपका क्या है माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर तो माइनस फोर हमारा ये ना ओके माइनस थ्री से स्टार्ट करना है कहाँ तक माइनस फोर तक करना है ओके okay? तो यहाँ से यहाँ तक हमारे एलिमेंट क्या है फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी तो आप सिंपली देखो फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी रिजल्ट आ गया आपका ठीक है समझ आया ये आपके स्टार्टिंग इंडेक्स थ्री था और एंडिंग इंडेक्स आपका क्या था माइनस थ्री तो माइनस थ्री माइनस वन एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस वन ठीक है माइनस थ्री माइनस वन क्या हो गया माइनस फोर हो गया ओके तो आपने थ्री से लेकर माइनस तक चलना है तो फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी ओके okay, हमेशा याद रखना है जो भी टपल आए उसके आपको क्या करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्स लिख लेने हैं ओके okay? लिखने के बाद इट इज वेरी इजी टू टेल द आउटपुट ऑफ द स्लाइस ओके ओके नेक्स्ट वी हैव टपल स्लाइसिंग आपके पास टपल टी वन है ओके okay? उसमें एलिमेंट है टेन टू नाइनटी फाइन अब यहाँ पे देखो हम स्लाइस बनाएंगे टी वन स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या है थ्री ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है थ्री एंडिंग इंडेक्स आपका क्या है थर्टी ओके okay, अब स्टूडेंट्स क्या है? डर जाएंगे और ये ending index तो इसके है ही नहीं ओके okay, तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले example में भी बताया कि जब ending index क्या है बहुत से बड़ा है, okay, उसकी limit है ओके उसकी ज़्यादा तब आपको क्या करना है लास्ट एलिमेंट तक जाना है फाइन देखो यहाँ पे लिखा हुआ अपर लिमिट इज साइज ऑफ लिस्ट बट पाइथन रिटर्न एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट फॉलिंग इन द रेंज थ्री ऑनवर्ड्स थर्टी थ्री एंड लेस देन थर्टी ओके okay? तो सिंपली इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर जो एंडिंग इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है तो आपको क्या करना है थ्री इंडेक्स right? okay? तो से स्टार्ट करेंगे और एट तक जाएंगे फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवनटी एटीन एंड नाइनटी सी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवनटी एटी एंड नाइनटी फाइन ऐसे ही अब देखो इसमें हमने टीबल लिया जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो क्या है माइनस फिफ्टीन ओके लेकिन आपका जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स वैल्यू वो है वो क्या है जीरो ओके स्मॉलेस्ट इंडेक्स वैल्यू आपकी जीरो है तो आप इस केस में क्या करना है सिंपली आपको जीरो से स्टार्ट करना है ठीक है और एंडिंग इंडेक्स क्या है आपका सेवन जीरो से लेकर सेवन तक आपको जाना है फाइन सॉरी एंडिंग इंडेक्स आपका सेवन है तो सेवन माइनस वन दैट इज सिक्स नॉट सेवन दैट इज सिक्स फाइन ओके एंडिंग इंडेक्स इज सिक्स तो आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे आप जीरो से स्टार्ट करोगे और सिक्स तक जाओगे यहाँ तो पे लोअर लिमिट क्या है बहुत ज्यादा लोअर दी हुई है लेकिन आपको जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है, है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एंड सेवेंटी ओके सिक्स तक आएगा फाइन तो यहाँ पे देखो रिजल्ट यही आया है ओके okay, तो ये ध्यान रखना अगर आप आपकी एंडिंग लिमिट बहुत ज़्यादा दी हुई है तो लास्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स तक आपको रीच करना है मतलब लास्ट एलिमेंट तक आपको प्रिंट कराना है और स्टार्टिंग इंडेक्स अगर बहुत कम दिया हुआ है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे जीरो से स्टार्ट करोगे डोंट गेट कंफ्यूज इन ऑल दिस ओके ओके तो हम यहाँ पे वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू वी कैन यूज प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर विद टपल स्लाइस ऑल्सो ठीक है टपल स्लाइस के साथ हम एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं देखो हमें टपल की स्लाइस बनाई टू आपको इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कहा तक फाइव माइनस वन डेट इज फोर फोर तक ठीक है तो आपके पास आया थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी ओके और आपने क्या किया मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का किया इंटू थ्री तो ये थर्टी फोर्टी फिफ्टी जो हमारे एलिमेंट्स हैं टपल स्लाइड के वो कितनी बार रिपीट करेंगे तीन बार रिपीट करेंगे थ्री टाइम्स रिपीट करेंगे देखो थर्टी फोर्टी फिफ्टी वन टाइम थर्टी फोर्टी फिफ्टी टू टाइम एंड थर्टी फोर्टी फिफ्टी थ्री टाइम्स ओके तो यहाँ पे थ्री टाइम्स रिपीट कर रहे हैं फाइन ऐसे आपने एक टपल्स लाइस ली टू से लेकर आपकी ए, एंडिंग वैल्यू है फाइव तो ये हो गया फोर फाइव माइनस वन फोर ठीक है तो हमारे पास थर्टी फोर्टी फिफ्टी आया ठीक है थीके? और इसमें हमने क्या ज्वाइन किया इसमें हमने ज्वाइन किया टू एंड एट ओके टपल को ज्वाइन किया इस टपल स्लाइस में हमने टपल को ज्वाइन किया टू और एट अब देखो थर्टी फोर्टी फिफ्टी टू एट ओके तो ये आपकी टपल आ गई है फाइन तो वी कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन टपल स्लाइस आल्सो डेट वी परफॉर्म ऑन टपल ठीक है जो हम ऑपरेशन टपल पे परफॉर्म करते हैं वो हम टपल स्लाइस पर भी परफॉर्म कर सकते हैं ओके चिल्ड्रेन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो With next topic of tuple. Okay, till then, keep studying. Okay, and bye bye.